हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स डिस्कवर इट। दिस इज़ आर्या एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द चैप्टर 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच फ्रॉम रेनन मार्टिन नोट्स। दिस इसका स्टडी वीडियो हम लोग कवर कर चुके हैं। अगर आपको इसका एक्चुअली वीडियो चाहिए तो आपको लेट्स डिस्कवर इट चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में खोज लेना है। प्लेलिस्ट का नाम ही इसके एक्चुअली चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के बेस पे रखा हुआ है, ठीक है। वो जैसे ही आप खोलोगे आपको थंबनेल सही थी मिल जाएगा, किसी का भी दो पार्ट नहीं है। एक्चुअली मैंने एक जेंडर पे वीडियो अपलोड की थी तो उसी का मैंने आई थिंक 1, 2, 2, 3 पार्ट्स है उस वीडियो का। बाकी आप रेनन मार्टिन में अभी तक जहाँ तक हमने कंप्लीट किया है सारे का वो फर्स्ट मीन्स एक पार्ट ही है। सब मैंने पूरे एजुकेशन को हम एट दैट पार्ट में ही कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब हम आ रहे हैं अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच पे। तो ये चीज़ हम आज ध्यान रखें कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने क्या क्या पार्ट्स, क्या होता है स्पीच, क्या होता है स्पीच का पार्ट्स किस बेस पे होता है, ये सारी चीज़ों को हमने चैप्टर 4 वाले वीडियो में कवर कर चुका है। आपको वाला देखना होगा क्योंकि ये हमारा नोट्स वीडियो है। तो एक्चुअली हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 हैं। ओके, 8 में पहले हमारा आ जाता है नाउन, प्रोनाउन, भर, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ओके, ये बहुत ही आसान है। आपको थोड़ा सा प्रीपोजिशन में थोड़ा दिक्कत होगा लेकिन बाकी सारे बहुत ही आसान है, क्योंकि प्रीपोजिशन में मुझे भी बहुत दिक्कत हुआ था। तो चलिए अब फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। जो नाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है। नाउन और काइंड्स ऑफ नाउन की वीडियो भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, जल्दी प्रोनाउन की भी वीडियो आएगी। तो एक्चुअली में जो नाउन है वो है क्या है। नाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। ओके, हमने यहाँ पे बस डेफिनेशन ही नोट्स में लिखा है। आप चाहें तो यहाँ पे एक एग्जांपल डाल सकते हैं, लेकिन मैंने एग्जांपल इसलिए नहीं लिखा कि आपको एग्जांपल मेरे से मैच हो जाएगा। इससे हेल्पफुल ये होगा कि आप जो ये समझोगे इससे आप एग्जांपल बनाने की कैपेसिटी रख पाओगे। तो एक्चुअली में वो नाउन वो वर्ड है जो यूज होता है नेम, पर्सन, प्लेस और थिंग के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ पर लर्न करना है, ठीक है। हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पे क्या बोला जा रहा है, हमारा प्रोनाउन है। तो पिछले वीडियो में भी हमने ये चीज़ सीखा था कि जो हमारा वर्ड प्रोनाउन है, प्रो मीन्स होता है पहले, प्रेडिसेसर का वर्ड जिसे हम अब देखे हैं, कहीं भी आपका वर्ड होता है ना प्रोनाउन या फिर कोई भी वर्ड, तो आपको उसको कनेक्ट कर कर ही उसका मतलब निकालना होगा। जैसे देखिए हम क्या निकाल सकते हैं इसका मतलब। प्रेडिसेसर हमने मैथ्स में पढ़ा था, तो प्री हमने वहाँ पर एक वर्ड देखा था। प्री मीन्स होता था पहले, मीन्स फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट से रिलेटेड हमने वहाँ पे चीज़ें को देखा था फर्स्ट। तो यहाँ पे प्रो है, तो प्रो से भी है तो हम ये समझ सकते हैं ना कि फर्स्ट होगा, ठीक है, ठीक है, फर्स्ट इतना तो समझ सकते हैं। लेकिन वहाँ पे हमारा प्रीडिसेसर में पी आर ही था, लेकिन यहाँ पे पी आर ओ है, तो इस चीज़ को देखकर चलना है। ई और ओ का डिफरेंस है, तो ओ का मतलब उसके जगह पे और ई का मतलब उससे पहले, ये चीज़ को ध्यान में रखें। तो प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन। एक प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो हमारे नाउन की जगह पे यूज होता है। जैसे अगर हम एक सेंटेंस लिखते हैं, चलिए कोई भी सेंटेंस लिखते हैं, एग्जाम्पल ले लें हम एक, रोहन इज अ गुड बॉय। अब लिखा सेकेंड सेंटेंस में, रोहन इज ईट बनाना, रोहन डैट, रोहन दिस। तो ये सारे जगह पे जो हमारा वर्ड रोहन यूज़ हो रहा है, सारे जगह पे जो हमारा वर्ड रोहन है, ये हमारे जो सेंटेंस है उसका एक्चुअली ब्यूटीफुल अपीयरेंस नहीं दे रहा। तो हमारा जो ये जो रोहन वर्ड है उसी की जगह हम क्या लगाते हैं पता है, इसी की जगह हम ही, सी, इट, ये चीज़, यानी ये मेजर प्रोनाउन है। तो ये प्रोनाउन को सेट कर कर हम सेंटेंस को ब्यूटीफुली सजेस्ट करते हैं, ब्यूटीफुली इसे हम एक्चुअली ब्यूटीफुली हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। और ये हमारे सेंटेंस में जहाँ रोहन रोहन हमने सारी जगह यूज़ किया था, उसकी जगह हम ही को यूज़ करेंगे क्योंकि ही हमारा प्रोनाउन है और ये बॉय के लिए ही यूज होता है। सी हमारे गर्ल्स के लिए यूज होता है, ईट हमारे नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है। तो उस बेस पे चलेंगे, ठीक है। ये चीज़ समझ गए आप अच्छे तरीके से। अब आ गया भर्ब। तो भर्ब का मतलब होता है क्रिया, ठीक ना। क्रिया बच्चे में हम लोगों ने इस चीज़ को कवर किया है कि एक्चुअली में क्रिया होता क्या है। तो क्रिया एक्चुअली में उसे हम कहते हैं जो काम हम करते हैं ना, उस चीज़ को रिप्रेजेंट जो करता है वो हमारा क्रिया कहलाता है। जिसके अंत में ना आ जाए वो हमारा क्रिया है। ये पूरी ये पासवर्ड है आपका कि ना आ जाए। ओके, हिंदी में जैसे पटना है तो एक तरह का पटना जो है ये तो जगह का नाम है ना एक्चुअली, तो इसलिए ये हमारा जगह का नाम है, इसलिए ये हमारा भर्ब नहीं होगा। ये तो हम ऐसे एक्चुअली समझ सकते हैं। अब अगर हम लें गाना, सोना, पढ़ना,
तो जहाँ पे आप यहाँ पे ध्यान दे सकते थे कि सारे के अंत में हमारा नाना था ना, पढ़ना गाना नहाना मारना, सॉरी मौ लिखा गया नो मारना, तो ये सारी चीज़ों में एक्चुअली में वो चीज़ें थी, रिप्रेजेंट थी। तो इस चीज़ को आप समझ कर अगर आप बुद्धिमान हो ना, वाइस हो, तब आप इस चीज़ को कर सकते हो, समझ जाओगे। ओके, ये तो हम समझ गए। वर्ब की बात एक अलग है। अभी तक में हमने नाउन को देख लिया, प्रोनाउन को देख लिया, वर्ब को देख लिया, अब हम देख रहे हैं एडवर्ब को। एडवर्ब क्या है पता है? एडवर्ब बहुत आसान है। एडवर्ब मीन्स वर्ब का डेफिनेशन देख लें पहले। ए वर्ब इज अ वर्ड यूज टू एक्सप्रेस एक्शन और स्टेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ए वर्ब इज अ वर्ड दैट यूज टू रिप्रेजेंट एक्शन और अ स्टेट। ओके, एंड एडवर्ब, एडवर्ब क्या है, इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान देखिए। एक्चुअली में एडवर्ब क्या है, तो एडवर्ब हम किसे कहते हैं पता है? एडवर्ब मीन्स वर्ब। एड का मतलब क्या होता है पता है? ये है एड। एड मीन्स जोड़ना, वर्ब मीन्स क्रिया। तो जो हम वर्ब में ऐड करते हैं वो आ जाता है हमारा वर्ड। वर्ड क्या बना? एडवर्ब। ठीक है, वर्ब में जो हम ऐड करते हैं, ठीक है, तो वो वर्ड जो हम वर्ब में ऐड करते हैं उसके मीनिंग को दिखाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे फोटो खींचने के टाइम में थोड़ा सा ना यहाँ पे कट हो चुका है, तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन आपको बोल रही हूँ, आप राइट कर लो। अब वर्ब इज़ अ वर्ड यूज टू ऐड सम टाइम मीनिंग ऑफ द वर्ब। यहाँ पे मीनिंग ऑफ द वर्ब होगा, मीनिंग ऑफ वर्ब। ठीक है, और अगर आपको एक्चुअली सेटिस्फैक्शन नहीं हो रही है ना कि मैं गलत बता रही हूँ अभी इस टाइम में, तो आपको ना वीडियो पे देखना होगा। वीडियो जाओगे ना आप लेट्स डिस्कवरी के चैनल पे, तो उसका जो है ना हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला वीडियो, उसी के बुक से मैंने लिखा है सारी चीज़ों को, तो उसमें आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी अच्छे तरीके से। ठीक है, ठीक है, ये हम समझ गए। तो अगर हम एग्जांपल लें, एडवर्ब का एग्जांपल लेना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। द लायन रोड एंग्रली, तो रोड तो हमारा वर्ब है, लेकिन एंग्रली क्या है? हमारा एडजेक्टिव है ना, एंग्री। तो यहाँ पे हमने वर्ब में एंग्रली को ऐड किया एडवर्ब के फॉर्म में, वर्ब के फॉर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए। सो अब देखें एडजेक्टिव को, तो एडजेक्टिव हमारा वो वर्ड आ जाता है जो यूज़ करते हैं हम नाउन के मीनिंग को बताने के लिए। ठीक है, नाउन के मीनिंग को अच्छे तरीके से बताने के लिए। जैसे हम बोलें द दिस गर्ल इज़ वेरी ब्यूटीफुल, नहीं तो बोले सीता इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। सीता नाउन है तो उसकी व्यवस्था है ब्यूटीफुल, इसलिए आ जाएगा ब्यूटीफुल। क्या आ जाएगा हमारा? ब्यूटीफुल हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव। ठीक है, ये चीज़ समझ गए। एडजेक्टिव बच्चों वाली चीज़ें से हम हिंदी में विशेषण कहते हैं। तो एडजेक्टिव एक वैसा वर्ड है जो यूज होता है नाउन के मीनिंग को ऐड करने में। ये चीज़ें अच्छे तरीके से हम समझ चुके हैं। अब आगे कंजंक्शन, कनेक्ट का मतलब क्या होता है, पहले ये चीज़ को समझें कि हमारा कनेक्ट क्या होता है। कनेक्ट का मतलब क्या होता है पता है? कनेक्ट का मतलब होता है एक्चुअली जोड़ना, एक्चुअली जॉइंट करना। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम सी ओ एन कनेक्ट में भी होते हैं, कंजंक्शन में भी हमारा यहाँ सी ओ एन प्रेजेंट है। तो वो वर्ड जो हमारा यूज होता है जो दो वर्ड्स या फिर सेंटेंस को जॉइंट करने में, वो वर्ड हमारा कंजंक्शन कहलाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके, कि कंजंक्शन वर्ड हमारा क्या कहलाता है। ठीक है, ओके, सो दैट आवर कंजंक्शन इज अ वर्ड यूज टू जॉइन वर्ड्स और सेंटेंस। ये चीज़ आप समझ गए। अब इंटरजेक्शन क्या है? इंटरजेक्शन एक वर्ड है जो एक्सप्रेस करते हैं हम किसी सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमने चैप्टर वन में ही पढ़ा है। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है? जिसमें हम हुर्रा वगैरह, हुर्रा वॉन या फिर ये सारे वर्ड्स को यूज़ करते हैं ना, जो हमें एक्सप्रेस करता है सडन फीलिंग को। जैसे जैसे हम कभी कुछ हो जाता है तो एक्चुअली हम करते हैं ओह, ओह कर देते हैं ना हम वहाँ पे ओह। इसका मतलब क्या होता है? जैसे अब देखिए सडन फीलिंग में, अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ। अगर आपको कोई बोले अरे वो काम करके दिखाओ, समझी, तो आप करोगे, ये आवाज़ चली गई होगी आप तक। तो ये जो हम करते हैं ना, वो एक्चुअली में ना हमारा इंटरजेक्शन है। ओके, ये चीज़ समझ गए। सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करने वाला हमारा इंटरजेक्शन है। इसे हम बोर्ड वीडियो पे भी कवर करेंगे, आप लोग चिंता ना करें। अब देखिए सबसे मेन थिंग है प्रीपोजिशन।
प्री मीन्स प्रीडिसेसर, पहले पोजीशन को सेटअप करने वाला आ गया हमारा प्री पोजीशन। हाँ, तो एक वैसा वर्ड है प्रीपोजिशन जो यूज होता है नाउन और प्रोनाउन को शो करने के लिए कि हाउ द पर्सन और थिंग डिनोट, जो पर्सन और थिंग डिनोट किया गया है नाउन और प्रोनाउन के द्वारा इस वो स्टैंड है कैसे रिलेशनशिप में, अपने अपने दोनों में या फिर किसी और में। तो वो वर्ड जो एक वर्ड लगा कर हम उस सेंटेंस में सारे वर्ड्स को अरेंजमेंट में लाकर एक प्रॉपर सेंटेंस बना सकते हैं ना, वो वर्ड हमारा प्रीपोजिशन कहलाता है। ठीक है, समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, ओके सर, देन ये कंप्लीट हो चुका है। अगले वीडियो में द चैप्टर 5 के नोट्स को कवर करेंगे, चैप्टर 4 आज हम लोगों ने कर लिया। सो फ्रॉम दिस साइड आर्या सिंह। सो ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपने इसके बारे में अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर पहुँचाएँ, शेयरिंग नहीं रुकना चाहिए, लाइक करें, अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स ऑल ऑफ यू एंड नथिंग want to say anymore that stay home, stay healthy, because corona का flow बहुत ही तेज है अभी, और अब तो वो वाला flow आ गया है जो बच्चों पे बहुत ही ज़्यादा dangerous होने वाला है। black fungus बहुत ज़्यादा ही फैल रहा है झारखंड बिहार, safe है ज़्यादा हम लोग के इधर, बाकी बहुत सारे state unsafe भी हैं, तो आप stay home, stay healthy, okay?